स्पीकर साहब uh, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस अहम इशू पे बात करने का मौका दिया पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आपको पता है कि एपिडेमिक uh, जो फैली हुई है पीरको में कॉलरा की आज हेल्थ मिनिस्टर साहब थे मगर उस टाइम uh, मुझे टाइम नहीं uh, दिया गया कि मैं ये बात और रेज करूँ ये क्वेश्चन को वहाँ पे बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दवाओं की ज़रूरत है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है अगर हम इन चीज़ों पे, इन पसमानदा इलाकों पे अटेंशन नहीं देंगे या इनको नज़रअंदाज करेंगे तो बड़े बड़े इश्यूज यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि जिस तरह पिछले चार साल में कोई भी यहाँ पे इशू सॉल्व नहीं हुआ तो ख़ुदा लाए कि आगे सॉल्व ना हो मगर जो मेडिकेशन के ऊपर जो बात हो रही थी मुझे तो हैरानगी होती है कि कल की ऑपोजिशन आज की गवर्नमेंट हम क्यों हम क्यों क्वेश्चन बुक में उसको डिफेंड कर रहे हैं प्राइस हाइक पे जो दवाएं कल को हम उसी पे बात कर रहे थे ऑपोजिशन बैठ के बात कर रही थी कि आठ रुपए की एक टैबलेट आज फोर्टी एट रुपीज़ का बिक रहा है तो आज उस पर हम चुप क्यों हैं उस पर सही बात हमने क्यों नहीं की क्या हमारे मुल्क के जो गरीब लोग हैं या आम इंसान हैं जो हम जैसे लोग हैं क्या हम यह एकदम से अफोर्ड कर सकते हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रही ये स्टैंड क्यों बदला गया और ये स्टैंड एकदम सीट बदलने से बदल जाता है या ये लिख के भेजा जाता है कि आप ये स्टैंड लें क्योंकि कल तक तो जो आवाज थी आवाम की वो कादिर पटेल साहब की थी आज कादिर पटेल साहब वही बात कर रहे हैं जो क्वेश्चन बुक में जो आंसर मिल रहा है उन्हें तो मैं समझती हूँ ये सरासर गलत है और ना इंसाफी है पाकिस्तान के अवाम के लिए मैं पाकिस्तान के अवाम के लिए इंसाफ चाहूँगी और इस पर आप ज़रूर नज़रसानी करें या एक कमिटी बुलाएं कि क्यों क्या वजह है कि हमारे जो अलफाज हैं उनमें दीम दीमी आवाज़ से हम बात कर रहे हैं उस पर या ये प्राइस जो हाइक है इस पर बिल्कुल जो लिखा जा रहा है उसी पे हम मान रहे हैं तो आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल मगर ये जो कॉलरा जो पहली हुई है पीरकों में इसके बारे में स्पीकर साहब आप कोई इकदाम करें कोई डॉक्टर्स की टीम यहाँ फेडरल से जाए वहाँ पे देखें कि क्या हो रहा है लोगों के साथ आई बी वेरी ग्रेटफुल और एक बात मैं जाते जाते ये भी कहूँगी कि जो बात इलेक्ट्रिकसिटी की हो रही थी बलूचिस्तान पर मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि ऐसे इलाके के, के बताएँ कि जहां पे बिजली मौजूद नहीं है स्पीकर साहब चार साल से तो मैं चीख रही हूं यहाँ पे लेड कला का जो स्टेट था जिसका बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के बनाने में उसमें डिस्ट्रिक्ट में एक यूनियन काउंसिल है लहर वहाँ पे बिजली नहीं है पानी नहीं है वहाँ बारिश के पानी से जो जमा होता है बारिश की पानी वहाँ से लोग पानी पीते हैं वहाँ बेड़ बकरियाँ पानी वहीं से पीते हैं और मुर्दों को भी उसी पानी से नहलाया जाता है अगर आजकल ड्राउट है बारिशें नहीं हो रही हैं तो वहाँ पे पानी नहीं है जबकि दुबई में वहाँ पे पानी नहीं वहाँ माई दुबई हम मंगवा के पाकिस्तान में पीते हैं तो हम अपने लोगों के लिए पाकिस्तान में कुछ ऐसे इकदाम करें कि माई पाकिस्तान हम बनाएं और पाकिस्तान के लोग साफ पानी पिए तो इस पर नज़रसानी हमें करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास वक्त कम है हम यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट्स या बोलने या टीवी पे आने के लिए नहीं है हमें प्रैक्टिकली गवर्नमेंट को प्रैक्टिकली इमरजेंसी इकदाम uh, करने चाहिए हर इशू पे मैं समझती हूँ बगैर इन इश्यूज़ पे अगर हम प्रैक्टिकल नहीं हो खुदा ना खासा ये एपिडेमिक पूरे पाकिस्तान में फैल रहा है तो फिर क्या होगा आई एल बी वेरी ग्रेटफुल इफ यू टेक अ स्टैंड ऑन इट जनाब स्पीकर थैंक यू जी सैद महमूद शाह साहब शुक्रिया